मेरा नाम है मुबीन मोहम्मद। बेसिकली मैं केरला से बिलोंग करता हूँ और मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरी फैमिली के अंदर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स था, इसी के कारण मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा सा इनकम कमाना चाहता था अपने पढ़ाई के साथ साथ। मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस परिवार में जन्म मेरा हुआ था और मेरा फादर काफी अच्छे तरीके से बिजनेस सक्सेसफुली रन किया है और हमें कोई भी चीज की इतनी बहुत ज्यादा कमी महसूस कभी नहीं हुआ। और बचपन से मुझे बिजनेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बिजनेस में ऊपर नीचे लॉस ना सब कुछ चीजें होता है और काफी सारे टेंशन मैंने अपना देखा है अपने बिजनेस के अंदर, इसलिए मैं कभी भी टेंशन लेना नहीं चाहता था। मैं सोचा अगर कोई सी अच्छी नौकरी मिल जाए तो टेंशन के बजाय पेंशन मिलेगा। आपको भी पता है ना टेंशन से कितना अच्छा है पेंशन। और बचपन से ये मेरा ख्वाहिश था। When I was in my 7th standard, तब से मेरा एक टारगेट क्लियर हो गया था क्योंकि मैंने स्कूल डिवीजन NCC के अंदर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया था और उधर से मैंने NCC में A सर्टिफिकेट पास किया, उसके बाद B सर्टिफिकेट, उसके बाद C सर्टिफिकेट और मुझे अपने कॉलेज से खास ट्रेनिंग मिला हुआ था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से क्वालिफाइड लोगों का और मुझे पूरा विश्वास था मुझे नौकरी मिल जाएगा एज एन ऑफिसर। ये मेरा सपना होता था और ये मेरे लिए बहुत खास होता था, यही एक ही लक्ष्य होता था। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना इंसान कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ और होता है, मैन प्रपोसेस एंड गॉड डिस्पोसेस। यही सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था। दिस वाज माय मतलब ओल्ड फोटोज, आई वुड लाइक टू शो यू, दिस इज माय एनसीसी सी सर्टिफिकेट के टाइम की फोटोज है। और मैं उस टाइम में चाहता था ये सब चीज बराबर हो जाए लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी हेल्थ में कोई तकलीफ हो सकता है। मेरे दाहिने हाथ के अंदर क्लीन कट इंजरी हुआ था। आई वाज नॉट एबल टू मूव माय हैंड फॉर अराउंड 2 इयर्स। लेफ्ट हैंड के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने लग गया। तो ये 2 साल तकरीबन लगा ट्रीटमेंट में और ट्रीटमेंट के बाद मैं फिजिकली चैलेंज्ड घोषित हो गया। अगर कोई आदमी फिजिकली चैलेंज है, आपको पता है मिलिट्री में होने के बावजूद भी उनको बाहर किया जाता है। अगर फिजिकल चैलेंज आदमी को कभी मिलिट्री में एंट्री नहीं करता। तो इस सिचुएशन में मेरा फादर ही एक आदमी था जो मेरे साथ रह सकता था क्योंकि दोनों हाथ के बिना इंसान की जिंदगी बड़ा मुश्किल में होता है और कोई भी चीज करना तो मुझे सहारा मिलना जरूरी था। उस एज में मेरे फादर के अलावा कोई और आदमी नहीं था। वो तकरीबन 6 महीना मेरे साथ उनको मजबूरी में रहना पड़ा। उस समय उनकी फैमिली का बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस लॉस में चला गया और उनके एज भी तकरीबन 55 प्लस हो चुके थे और उस एज में दोबारा वो कोई बिजनेस को स्टेबल नहीं कर पाया। सो वी फेस्ड लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। फादर ने इस्लामी की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आप लोग सुना होगा इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट हराम होता है ना, इसलिए उन्होंने कोई बैंक में भी सेविंग ज्यादा नहीं बनाए थे और सेविंग नहीं होता है और इनकम बंद होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम परिवार में हम 3 बच्चे, मेरे बड़े भाई है और मैं हूँ और मेरे छोटे सिस्टर है। सिस्टर की शादी फाइनल था बट पैसा ना होने के बावजूद हम उसको नहीं कर पा रहे थे समय पे। हम लोग एक बहुत पुराने घर में रहता था उस समय और पापा बोलता था जरूर आप लोग चाहे तो बड़ा घर बना सकते लेकिन अपने आप पैसे कमा के बनाना है, मैं तो जितना बना के देना है उतना तो बना के दे चुका हूँ। और मैं उस समय सोचता था चलो अगर मिलिट्री में जॉब नहीं मिला तो भी अपना एजुकेशन तो कंटिन्यू करना ही है। आई वॉज थिंकिंग ओके लेट मी कम्प्लीट माई बीएड आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद आज से टीचर आई कैन वर्क। अगर सिचुएशन सारे अनुकूल होता है आई कैन ट्राई फॉर एमफिल और PhD और आई कैन टेक सेट सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉलेज में टीचर बन सकता है। ये तो सारा प्लान में होता था लेकिन घर की सिचुएशन ऐसा था। मैं आपको नटशेल में बताऊं तो ये मेरा घर की सिचुएशन है। बहुत पुराना घर है, अगर घर में शादी जैसा कोई अच्छी सिचुएशन होता तो दिस इज नॉट एट ऑल सूटेबल। तो मैं चाहता था एक नया घर बनाऊं लेकिन ये मेरे साथ पॉसिबल नहीं हुआ था। वी वेयर इन वेरी मच ट्रबल दैट टाइम, माय टोटल फैमिली, हम 3 बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, हम लोगों का हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो गया था। दीज वेयर माई इमीडिएट नेसेसिटीज, ये तो अपने जान से भी खास है। हम लोगों का एजुकेशन पूरा होना चाहिए, मेरा ट्रीटमेंट कुछ बाकी है, फिजियोथेरापी वगैरह। माई मदर इज ऑल्सो एन एस्थमेटिक पेशेंट, उनको भी टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट चाहिए था लेकिन पैसे की अभाव के कारण हम लोग इसको टाइम पे नहीं कर पा रहा था। एक जॉब तो चाहिए, केरला के सिचुएशन उस समय ऐसा होता था इफ आई कंप्लीट माई बीएड स्टिल, अगर अपने मैनेजमेंट के अंदर भी अगर जॉब मिलना होता है तो पहले एक रकम देना पड़ता है। उतना रकम तो मैं अवेलेबल नहीं कर पा रहा था उस समय पे। और मैं अपने लिए एक सपना जरूर देखा है, मैं क्योंकि बचपन से मुझे गाड़ियों से बहुत शौक है, मैं सोचता था कि अपना खुद का एक गाड़ी हो जाए। मेरी सारे रिलेटिव अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं, उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना मतलब अपना भी कुछ गाड़ी वगैरह होना चाहिए, एक अच्छा सा एक छोटा सा घर अच्छा हो जाए। क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैंने बोल दिया मेरे मम्मी आस्थमेटिक पेशेंट है और उस समय कुछ बिना डस्ट का कोई अच्छी सी घर अगर सिचुएशन में मिल जाए तो बढ़िया है। हम बड़े तरीके से नहीं सोच रहा था फॉर सर्वाइवल, ये सब कुछ कुला मिला के मैंने देख लिया तो मुझे समझ में आ गया 25 लाख कम से कम अगर हुआ तो ये सब एकदम मैनेज हो सकता है, बहुत बड़े तरीके से नहीं नॉर्मली। लेकिन 1 साल में 25 लाख रुपए कैसे सेविंग मिलेगा,
बीएड के बाद अगर टीचर की नौकरी मिलना है तो कम से कम 2 साल 3 साल मुझे इंतजार करना पड़ता है। घर पे सिचुएशन माहौल ऐसा है कि मैं उतना कभी इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय आज जैसे आप लोग डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल के बारे में सुन रहा है, इसी तरह मेरे सामने भी कोई मेरा दोस्त आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दिया और मैंने पहले इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था सुनने के लिए क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन सुने सुने क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है, उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए सुनना पड़ गया मजबूरन। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सोच मैंने भी अपना लिया और सारा सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इनकम पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर मैं नौकरी पे जाऊं तो मुझे 50,000 या उससे कम इनकम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, तो सेविंग हो ही नहीं सकता। जब तक सेविंग नहीं होगा तो लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं आएगा। छोटी सेविंग से मेरी जिंदगी में मेरी परिवार में कोई अच्छा होने वाला भी नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने एक चीज देखा, पासिव इनकम, ये बहुत मुझे एक्साइटेड करा दिया क्योंकि मैं अपनी फैमिली में देखा था, मेरे फादर ने 40 साल अपना बिजनेस को खड़ा किया, वो भी घर में रह के नहीं, क्योंकि घर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर था उनका सारा बिजनेस, होलसेल रिटेल का सारा बिजनेस चल रहा था। लेकिन वो 6 महीना मात्र उधर से अलग हो गया तो 40 साल का मेहनत और बिजनेस एकदम बैठ गया, उनको मजबूरन बिजनेस बेचना पड़ा, इनकम अपना बंद हो गया। और नेटिव में आके कोई बिजनेस सेट करने की सोचा तो वो कोई सेट भी नहीं हो पाया, वी वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करा दिया। आप भी एक बार पॉजिटिवली सोचिए, ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम पे डिपेंडेड होता है। अगर घर का एक आदमी का मेन इनकम अगर कोई कारणवश अगर बंद हो गया, अभी कोरोना के चलते दुनिया में 3 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो गया, आप एक बार समझ लीजिए, ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1 लाख क्रॉस कर दिया। इसी तरह हमारे देश में भी एक्सीडेंट्स और नेचुरल कैलामिटीज और क्या क्या महामारी आता है, आप एक बार सोचिए, मैं और आप लोग अपने आप को कितना गारंटी दे सकता है, अपनी लाइफ को कितना गारंटी दे सकता है। आज की सिचुएशन में हम लोग ज्यादा कन्विंस्ड उस बात पे, अगर आप अपनी फैमिली में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड माई लाइफ स्टाइल कैन हेल्प यू टू अचीव बिग थिंग्स इन योर लाइफ। और मैं आपको बता दूं, यही मेरी सिचुएशन था उस समय पे और मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छे से डेवलपमेंट आ जाए। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरी लाइफ में डेवलपमेंट आने लग गया था, तो स्लोली एंड स्लोली डेवलपमेंट आने लग गया था। नाउ आई एम स्टेइंग इन दिस होम। आप पहले वाला घर का पिक्चर अपना मतलब आंखों के सामने से हटाना नहीं है, वो एक बार सोचना, ये मेरे लिए सपनों से भी बड़ी बात है। जब आपने एक आदमी का इनकम एक हफ्ते में 1 लाख या उससे ऊपर हो जाता है ना, वो जल्द से जल्द अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ला सकता है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, आई हैव रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन अराउंड 7 to 10 प्लेसेस, मेनी प्लेसेस इन इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू बीइंग ए माई लाइफ स्टाइल डायमंड अचीवर। आज मैं बताऊं, माई लाइफ स्टाइल में डायमंड का एक अच्छा सा इनकम होता है, वो चाहे तो 6-7 साल में अपनी नई प्रॉपर्टी या नई घर में शिफ्ट हो सकता है। मेरा भी नई प्रॉपर्टी तैयार है, इज इन अ वेरी एक्सक्लूसिव कॉलोनी इन केरला, इसे हाउसिंग कॉलोनी है, एक विल्ला कॉम्प्लेक्स है, 39 विल्ला से उसके अंदर, उसमें जो भी लोग रहते हैं फाइनेंशियली बहुत साउंड और स्टेबल लोग रहते हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई भी उधर घर खरीद नहीं सकता। ईश्वर की कृपा है, मुझे उधर अपना एक घर खरीदने का मौका मिला। इट्स इन फाइनल स्टेज, अभी नेक्स्ट मंथ में हम लोग इसी में शिफ्ट हो रहा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी एंड पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड माय लाइफस्टाइल। और मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस ला सकता है, इसका सबूत है। मैंने इस बिजनेस में जब एंट्री किया था, मेरा पर्सनल टारगेट था मेरा अपना एक 2-व्हीलर हो जाए, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ही मैंने इसको खरीदा। और इधर से बहुत जल्द से जल्द, मैंने उस समय सपना भी देखना शुरू नहीं किया था, लेकिन उधर से ज्यादा मेरा इनकम बढ़ने लग गया। 2-व्हीलर में जाके इसके बारे में बोलने के बाद लोगों को इस बात को हजम नहीं हो पा रहा था। देन आई टेकन माय 4-व्हीलर, दैट वाज अ टाटा इंडिगो कार। जब मेरी शादी हुई तो मैंने एक स्कोडा ऑक्टेविया ब्रांड न्यू खरीदे थे, उसी में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद डिफरेंट कार्स मैंने चेंज किया, इनोवा जैसे SUVs और टोयोटा कोरोला जैसे गाड़ियां मैंने शिफ्ट किया है। और उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, फॉर मेनी इयर्स आई एम यूजिंग दिस BMW 5 सीरीज टॉप मॉडल, और इसको मैंने अभी स्पोर्ट्स मॉडल में कन्वर्ट किया था एक नई और गाड़ी खरीदने के टाइम पे। 2018 में आके माई लाइफस्टाइल के साथ मेरे टीम के अंदर 100+ लोगों ने अपना सुपर हिट लग्जरी गाड़ी खरीद लिया, जैसे जागुआर है, जैसे मर्सिडीज है, BMW है, ओडी, और ऐसे गाड़ी खरीदा। तब मैंने भी अपना एक नई गाड़ी खरीदा, जैसे मर्सिडीज बेंज GLS 350। जब ऑन रोड मैंने इसका कॉस्ट निकाला, दैट वॉज अराउंड including the package, insurance, tax, 1.175 crore rupees. आप एक बार सोचिए, calculation. अगर मैं business में नहीं आया होता, I will be a plus two teacher or maximum I will be a high school teacher.
मेरी सैलरी होगा मुश्किल से 50,000 रुपया। फैमिली के साथ एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के बाद मेरे पास कोई सेविंग हो नहीं सकता, लेकिन मैं जरूरतमंद आदमी है, मुश्किल से अगर मैं 5,000 रुपया भी सेविंग बनाऊं तो एक साल का मेरा सेविंग है 60,000 ओनली, 60,000 रुपया। 10 साल में आके 6 लाख, 30 साल में जाके 18 लाख। आप एक बार सोचिए कि 18 लाख में मैं कभी ऐसा एक गाड़ी प्लान कर सकता है क्या? और उस समय मेरी बढ़ती हुई जरूरतें पूरा करके मैं शायद एक मारुति की छोटी गाड़ी भी खरीदने की पोजीशन में नहीं हो सकता। अगर खरीदना है तो वो भी लोन में लेना पड़ेगा, पूरी जिंदगी उसका लायबिलिटी में मुझे जीना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, दिस इज एन एग्जाम्पल डायरेक्ट सेलिंग हाउ इट कैन चेंज ए नॉर्मल पर्सन्स लाइफ। और मेरे फादर ट्रेडिशनल बिजनेस इतना साल करने के बावजूद भी हम लोग फैमिली के साथ कोई जगह टूर पे जा नहीं पाया और मेरी लाइफ में काफी सारी चेंजेस आने लग गया। मुझे लगता है कि ज्यादा बताने से अच्छा है थोड़ा सा दिखाना, क्योंकि कोई भी चीज में इंसान का विश्वास अगर होता है तो दो तरीके से होता है, एक सुनने से होता है और दूसरे देखने से होता है। ऑडिबल स्टिमुलेशन एक आदमी को 10% तक विश्वास दिला सकता है, लेकिन काफी आदमी एक टाइम पे उसका अविश्वास भी कर सकता है कोई भी पल। लेकिन कोई चीज सामने देखेगा ना, वो ऑडिबल सेंसेशन से विजुअल स्टिमुलेशन हो गया, उस विजुअल सेंसेशन से अगर कोई भी चीज दिखता है वो आदमी को समझ में आता है, वो अविश्वास नबी भी नहीं बन सकता। इसलिए ही तो पुराने लोगों ने बोलना शुरू किया ना, जो दिखता है वही बिकता है। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके से मेरी लाइफ में मैं कभी सपना भी नहीं देखा ऐसी मेरी लाइफ हो सकता है। देश विदेश की अलग अलग टूरिस्ट लोकेशंस मुझे जाने का मौका मिला है। नॉट ओनली मी, माई एंटायर फैमिली स्टार्टेड विजिटिंग मेनी प्लेसेस। दिस फोटो आई टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और मैं इस फोटो इसलिए पहले दिखाया, मुझे लाइफ में अपना 23 एज के बाद फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। जब मुझे बेटी हुई, एक साल के अंदर उन्होंने तकरीबन 5 कंट्रीज विजिट किए थे, उसमें साउथ अफ्रीका यानी एशियन कॉन्टिनेंट को छोड़ के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी शामिल था। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो वंडर है आजकल से साउथ अफ्रीका में वी वेयर टुगेदर। Yeah, we were together. आपने जरूर मेरे उस समय आप हम खूब एंजॉय किए थे। Absolutely. ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना के वर्ल्ड वंडर्स में आता है ये। मैं वही फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको जो खास होता है। आप एक, क्योंकि कोई भी आपने कुछ भी बोल सकता है, तो आप देखने पे इतना विश्वास होता है। ऐसा मत देखिएगा आप मेरा और मेरी फैमिली का फोटो देख रहा है, जरूर ऐसा देखिएगा आप अपने आप को और अपने फैमिली को देख रहा है। अगर आपको समझ में आ गया जिंदगी एक आदमी को एक ही बार मिलता है इस दुनिया में जीने के लिए, अगर उस पल अगर वो बिना कॉम्प्रोमाइज की अच्छी जिंदगी जीना है तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बताऊँ, एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में अपनाना बहुत जरूरी है। कोई भी काली बोर्ड आदमी, स्किलफुल आदमी एक जॉब में जाने से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में नॉर्मली जी नहीं सकता, बहुत सारे जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन एक बिजनेस में आ गया, जैसे धीरूभाई अंबानी जी, बिजनेस करने के बावजूद ही उन्होंने इंडिया के रिचेस्ट लोगों में पहुंच गए थे, एक आम आदमी होने के बावजूद भी। एक सबूत है, कोई भी हो बिजनेस से बहुत अच्छी सी, लेकिन एक राइट टाइम बिजनेस सेलेक्ट करना सबसे बड़ी खास बात होती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे काफी सारी एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ है दोस्तों। ये फोटो मैंने लिया था वन क्रिसमस सेलिब्रेशन वी सेलिब्रेटेड इन मॉरिशियस। दिस फोटो आई टेकन फ्रॉम, दिस इज द न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इन जॉर्डन पेट्रा। बहुत कुछ है इसके बारे में बोलने के लिए, मैं थोड़ा सा ही बस फोटो दिखाऊंगा। द डेड सी, ऐसे खूब सारे, ये इटली के अंदर रोम में कोलोजियम है, हिस्ट्री बसता है उधर, हमें उधर भी जाने का मौका मिला। तकरीबन 2 मंथ वी स्पेंड अवर ऑल फैमिली इन यूरोप फॉर ए ट्रिप। नॉर्मली ये करना बड़ा मुश्किल होता है, ओनली बिकॉज ऑफ माई लाइफ के लिए सब कुछ हुआ है दोस्तों। और मैं बताऊं, मतलब ऐसे दुनिया के ऐसे ऐतिहासिक जगह, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, यूरोप के सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज, दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, मोंटेनेग्रो, और ऐसे ऐसे कंट्रीज हमें देखने का मौका मिला। ये ऊपर वाले फोटो के पीछे आप एक शिप देख सकता है, ये रॉयल कैरिबियन क्रूज है। उधर हमने 14 नाइट सफर करने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला। उधर हमने जाके जितना भी पैसेंजर उसको टूरिस्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया, और वो सारे के सारे लोग दुनिया के रिचेस्ट लोग में आता है। एक नॉर्मल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मुझे ये अचीव करने का मौका इसलिए मिला था बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल एंड बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह दिस इज द सिटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है। स्विट्जरलैंड के जुंगफ्राउ माउंटेन्स है। एक आदमी का दिल बड़ा खुश हो जाता है, सोचने का तरीका एकदम बदल जाता है, लाइफ में बड़ा सपना एकदम जागृत होता है। ये सारी एक्सपीरियंस है। ये डिस्नीलैंड है पेरिस में हुआ, ये आइफल टावर है पेरिस के अंदर। इस तरीके से हमने खूब एंजॉय किया है। ये लास्ट ईयर माई समर वेकेशन, मेरा दो बेटी, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया है इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा। और ये उसी की फोटोग्राफ है, ये हाल ही में हुआ है बिफोर लॉकडाउन पीरियड। और ये न्यूयॉर्क सिटी में
द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप पीछे देख सकते हैं, ये वाशिंगटन डीसी का कैपिटल बिल्डिंग है, ये दुनिया का एक वंडर में आता है, नियाग्रा फॉल्स, हर आदमी जरूर देखना चाहता है। अगर मैं शायद ये बिजनेस में नहीं आया होता, शायद इंडिया का भी कोई अच्छा खासा वाटरफॉल कभी देखा नहीं होगा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल। ये ग्रैंड कैनियन हमने देखने के लिए गया था, उस समय हम खुद अपना एक एयरक्राफ्ट रेंट पे लिया था, हेलीकॉप्टर रेंट पे लिया था, उधर से जाके देखा। ये लाइफ में कभी एक आदमी भूल नहीं सकता, एक आदमी की नॉर्मल एक माइंड ऐसे सोच नहीं सकता ऐसे ऐसे नजारा दुनिया में। ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मिला है। दुनिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज रहता है यूएस की बेवरली हिल्स में, वो जगह भी हमने खूब देखा है, एंजॉय किया, उन लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में समझा। और मैं आपको बता दूं, अगर आदमी अगर अच्छी सी लाइफस्टाइल जीना चाहता है तो डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे अपनी लाइफ में सबसे खास अचीवमेंट समझता हूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ मुझे हज भी करने का मौका मिला था, उधर से भी काफी एक्सपीरियंसेस मिले हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। और माई लाइफ स्टाइल की ये बिजनेस प्लान के अंदर क्या है, अगर कोई भी बिजनेस के बारे में आप जब सुनते हो ना, खास एक बार लॉजिकली इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, उस बिजनेस का फ्यूचर कितना अच्छा है। आज वर्ल्ड में आने वाला सबसे बड़ा ग्रोथ होने वाला कुछ इंडस्ट्रीज है, उसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दूसरा आता है रिटेलिंग इंडस्ट्री, और तीसरा आता है वेलनेस इंडस्ट्री, और चौथा आता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और माई लाइफ स्टाइल ने क्या किया, इन चारों चीजों को एक ही साथ जोड़ दिया, क्लब कर दिया। आपको आप आज बिजनेस का प्लान देखा होगा और इसके अंदर आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। मैं नटशेल में आपको बता दूंगा, एक बार बिल गेट्स जब दुनिया का रिचेस्ट आदमी था तो एक मीडिया के आदमी ने पूछा व्हाई यू बिकम नंबर वन, उन्होंने बताया राइट टाइम राइट बिजनेस। दुनिया के रेवोल्यूशन बिजनेस के क्षेत्र में और फाइनेंशियली जब भी हुआ, आप लोग इस बात को समझ तक सकता है, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े इस बात को, 18th सेंचुरी में एग्रीकल्चरल सेक्टर में खेती बाड़ी में रेवोल्यूशन आए थे। उस समय कोई भी कंट्री में जाके देखिए, अमीर लोग सारे जमींदार लोग होते थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते थे। 19th सेंचुरी में परिवर्तन आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लोग अमीर बने थे। 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ। 21st सेंचुरी इज फॉर रिटेलिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इंडस्ट्री का तकरीबन 25% पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंडिया की मेन न्यूज़पेपर का कहना यह था, ये मेरा और ये बिजनेस किया हुआ कोई लीडर्स का कहना नहीं है, आने वाले समय में 2025 से पहले 1,80,00,000 यूथ क्वालिफाइड लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यानी माई लाइफ स्टाइल के अंदर ऐसी कंपनीज के अंदर काम करेंगे। इससे ज्यादा क्या बात चाहिए एक आदमी को कन्विंस करने के लिए। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तकरीबन टर्नओवर है 13,000 करोड़ के आसपास, और ये न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है बाय 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल क्रॉस 64,000 crores। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 1995 में आया था, 1995 से लेके 25 साल के अंदर मात्र 13,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना हो गया, और ये आने वाला 5 साल के अंदर 6 गुने से ज्यादा मल्टीप्लाई होने वाला ही है, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन हम उम्मीद कर सकता है। आप लोग अभी सुनता है माई लाइफ स्टाइल के बारे में, दिस इज द राइट टाइम। राइट टाइम पे एक राइट निर्णय लेगा, वो जिंदगी को इस लेवल से ऊपर के लेवल तक ले जाने में सक्षम है। मैं बस इतना बता दूंगा, आज जो प्लान आप देख रहा है माई लाइफस्टाइल का, आज आप गूगल करोगे इंडिया की टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, फर्स्ट कंपनी के रूप में माई लाइफस्टाइल का नाम आपको देखने को मिलेगा। और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में दुनिया के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहा पॉल ज़ेन पिल्ज़र, उन्होंने जो जो चीजें प्रेडिक्शन किया है वो दुनिया में साबित हुआ है। उनका एक बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, उन्होंने बोला दिस इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और माई लाइफ स्टाइल ने इस वेलनेस रेवोल्यूशन को भी लेके आया। अभी बहुत खुशी की बात है माई लाइफ स्टाइल के लिए, गर्व की बात है, लास्ट ईयर में माई लाइफ स्टाइल का एलिमेंट्स इंडिया के बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड प्राप्त किया था इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा। और मैं आपको बता दूं, दिस इज अनदर बिग थिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में ये बताते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ वेलनेस इंडस्ट्री में आएगा। आज कोरोना को चलते हुए इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, इन चीजों के बारे में लोग ध्यान देना शुरू कर दिया। हाल में सारे न्यूज़पेपर में आता है वेलनेस की सेक्टर में ग्रोथ ट्रिपल हो गया, 4 times हो गया करके, और आने वाला समय पे ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला ही है। और माई लाइफ स्टाइल का प्लान आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया, एक बार मैं नटशेल में बता दूंगा, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल बिजनेस, दिस इज टीम वर्क।
अकेले की मेहनत करके कभी भी आदमी अपने लाइफ में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकता, वो बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत से अगर हमें प्रॉफिट आ सकता है तभी हम एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सकता है। इधर खासी खाली तीन स्टेप है कुल मिला के बोलेगा तो, एक तो बिजनेस स्टार्ट करना है। नॉर्मल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता, चलो मैं एक बहुत बड़ी होटल खोल देता हूँ, एक ज्वेलरी खोल देता हूँ, एक आईटी कंपनी स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी देखेगा इतना आसान नहीं है, सालों लगता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आप ये बिजनेस की खूबी है अगर आपको समझ में आ गया ना तो एक घंटे के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। इफ यू आर स्मार्ट नेक्स्ट वीक में यानी अगला फ्राइडे के बाद क्लोजिंग जब आएगा आप अपना इनकम भी ले सकता है। लेकिन आज की तारीख में बिजनेस के क्षेत्र में ये बताता है पहला तीन साल आप प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकता। बहुत सालों से सक्सेसफुल लोग भी आज की तारीख में बिजनेस में अपने आप को टिका नहीं पा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, एक बार सोचिए। दूसरी बात यह है, ये बिजनेस में दो चीज है, एक होता है प्रोडक्ट जो लोग यूज कर सकता है, ऑलरेडी लोगों का आदत है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा होता है बिजनेस। जिनको प्रोडक्ट चाहिए उनको आप प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकता है, जिनको बिजनेस चाहिए उनको आपको बिजनेस रेकमेंड करना है। और मैं आपको बता दूं, यू हैव टू अपॉइंट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स विद यू, एक ऑर्गेनाइजेशन वन में एक ऑर्गेनाइजेशन टू में। सिंपल सी बात है, वन रिलेटिव एंड वन फ्रेंड, दैट्स ऑल। कोई ऐसा है जिनका रिलेटिव नहीं है, कोई ऐसा है जिनका कोई फ्रेंड नहीं है। आप एक बार सोचिए, कोई भी आदमी हो अगर चाहे तो दो नहीं वो 20 कर सकता है। बस एक आदमी को विश्वास चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, बस इतना ही है। अगर यही काम हम उन लोगों से आगे करवाया जाए, अलग अलग लेवल पे किया जाए तो छोटी टर्नओवर से बड़ी टर्नओवर आ सकता है। इसका सॉलिड प्रूफ मैं आपके साथ बता दूंगा। मेरे सामने भी जब महिला स्टेल आया तो मैंने भी अपनी सारी प्रोडक्ट खरीदा। आज मेरे घर में होम शॉपी है, इधर सारी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये मेरे घर की फोटोग्राफ्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट मेरे घर में सब लोग यूज करता है और इसका रीयूसेज भी हम इधर से ही करता है। और कोई भी मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो इधर से आते खरीदते हैं, तो मुझे एमआरपी में देना होता है तो मुझे एक रिटेल प्रॉफिट भी मिलता है, वो भी एक अच्छी खासा अमाउंट हम लोग अर्न कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने बिजनेस को सीरियसली एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया, मेरा तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस था तब 2013 में जब माई लाइफस्टाइल सामने आया। आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि मैं बहुत समय से सोचता था कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कोई भी इंसान का कोई खास लॉस ना हो, चाहे तो बड़ा अच्छी प्रॉफिट हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बदल सकते हो। तब आके माई लाइफस्टाइल में ये सारी की समझ में आ गया, तब आके मैंने माई लाइफस्टाइल 2013 में स्टार्ट किया था। ये मेरी आईडी है 4117231606, इसके नीचे आप डेट भी दे सकता है 14 August 2013। ये प्लान के अंदर आपने इधर सुना होगा हफ्ते का इनकम है, महीने का इनकम है, एक हफ्ते में छोटी छोटी अमाउंट से लेके 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,000, उसको सीलिंग बोलता है, ऐसे अमाउंट अर्न कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में 13 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इस बिजनेस के अंदर मेरा विश्वास और अच्छी कॉन्टैक्ट लेवल होने का बावजूद, मैंने प्लान किया इस कंपनी की पहले क्लोजिंग में ही क्यों 2,10,000 अर्न न करें। मैंने निर्णय लिया और मैंने अपना लिस्ट बनाया तकरीबन 500 लोगों का, उनमें से तकरीबन 100 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया, उन लोगों से मैंने डायरेक्टली डिस्कस किया और उन लोगों का भी खास लोगों से डिस्कस किया, ऐसे एक साथ एक अच्छी सी ग्रुप बिजनेस स्टार्ट किया था। वेरी हैप्पी टू शेयर यू, आई मेड अ रिकॉर्ड, मैं अपनी फर्स्ट वीक के अंदर ही सीलिंग अचीव किया था। और अभी तकरीबन 7 साल हो गया, 7 साल के अंदर ये मेरा टर्नओवर आपके सामने है। माय ऑर्गेनाइजेशन वन क्रॉस्ड 333 करोड़ प्लस बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन टू क्रॉस्ड 203 करोड़ ऑफ बिजनेस। ये मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम है और इधर शुरुआत से लेकर के आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर 2,10,000 आना शुरू हुआ था 2013 से। इनिशियल लेवल पे ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाते, लेकिन धीरे धीरे चल के 2013 के अंदर ये स्टेबलाइज हो गया था। उसके बाद 2014-2015 आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, एवरी वीक अगर मैं करूं या ना करूं तभी भी मेरी स्टेबल बिजनेस है, हजारों लोग मेरे साथ काम करता है, वो लोगों का अपना अपना लक्ष्य है, वो उनके लिए काम करता है ना मेरे लिए। इसलिए क्या कि बिजनेस के अंदर वो पासिव नेचर आ गया, आज ये सिचुएशन है 2,10,000 कंटीन्यूअसली आने लग गया। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, दुनिया पूरा ब्लॉक हो गया, लोग अपने घर से निकल भी नहीं सकता, आप इधर से दे सकता है वीक नंबर 358-357 कंटीन्यूअसली ये 2,10,000 मिलने लग गया था। इसके पहले 2-3 बार मिस हो गया, क्योंकि उस समय हम लोग बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं किया, हम लोगों को बोला अभी कोई एक्टिविटी नहीं करना है, घर में रहना है। जब हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके काम करना शुरू किया, इस पीरियड के दौरान भी ये कंटीन्यूअसली सीलिंग मिलना शुरू हो गया। अभी मुझे हफ्ते का बिजनेस में चेक करता हूं, जो सीलिंग के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है उसका तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा मेरा बिजनेस होता है, मात्र रीपर्चेसिंग से भी उससे ज्यादा बिजनेस होने लग गया। दिस इज द प्रूफ
दिस बिजनेस इज बूमिंग. मैं इतना बताऊंगा, इसके अलावा मंथली इनकम का भी सोर्स है. जब मैंने अपना फर्स्ट मंथ इन क्रॉसिंग किया तो माई मंथली इनकम वॉज ओनली 39,000 रुपीज. सेकेंड मंथ पे ये डेवलप हुआ 3,92,000 रुपीज. आप एक बार सोचिए दोस्तों, कोई ऐसा बिजनेस आप लोग मुझे बताइए जो एक महीने के अंदर अपना इनकम के अंदर 10 गुना डेवलपमेंट मिले. कोई ऐसा बिजनेस है क्या? और मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये बिजनेस के अंदर ये पॉसिबिलिटी है. ये एक आदमी का अकेले का मेहनत नहीं है, टोटल एक टीम वर्क की रिजल्ट है, इसी के वजह से हो रहा है. जब मैंने अपनी बिजनेस 20 मंथ कंप्लीट किया था, माय मंथली इनकम वाज स्टेबलाइज्ड मोर देन 10 लाख. और आगे चलते चलते मैंने देखा इट क्रॉस्ड इवन 20 लाख. 59th month I achieved around 25 lakh. And you can see there in 27th month, including my GST and all, I achieved 31 lakh plus. ये एक बहुत बड़ी सबूत है. और मैं आपको बताऊंगा माई लाइफस्टाइल की और डायरेक्ट सेलिंग की जैसे आज ग्रोथ हो रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर इंक्लूडिंग मैडम मृणाल जी, बहुत सारे लोग आपके टीम में भी और मेरे टीम में भी इधर इनकम लेगा. शायद लाखों में नहीं, एक महीनों में करोड़ में इनकम ले सकता है. बस ये एक आदमी के विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है. मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एक सॉलिड पे मैं प्रूफ बता सकता हूँ. ये माई लाइफस्टाइल का फॉर्म 16 ये है, ये मुबीन मोहम्मद यानी मुझे दिया हुआ. आप देख सकता है क्वार्टर के अंदर 1 करोड़ 35 लाख, उसके बाद एक क्वार्टर में 1 करोड़ 39 लाख, उसके बाद एक क्वार्टर में 1 करोड़ 47 लाख, एक लास्ट क्वार्टर का मैंने चेक किया था 1 करोड़ 70 लाख रुपीस. आप बताइए दोस्तों, एक ऐसा सॉलिड मजबूत बिजनेस हाथ में मिलेगा तो सीरियसली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, निर्णय बस आपको ही लेना है. और हाल ही में मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ था. मैंने एक जगह एक मीटिंग के लिए गया था मेरे टीम के अंदर, उधर मैंने एक लड़के को देखा, वो 100% हैंडीकैप्ड है. उनका नाम है तनशान, ना वो बैठ सकता ना वो चल सकता, उनका हाथ पैर हिल नहीं सकता, सिर सीधा रख नहीं सकता, खाली बात समझ सकता है, कुछ लोगों के सहारे मूव कर सकता है. और मैंने देखा उस आदमी का, उस लड़के का इनकम था एक हफ्ते का 1 लाख से ऊपर. उन्होंने अपना ब्रांड न्यू एसटीसी लेवल टच करके एक रिनोल्ट का नई गाड़ी भी खरीद लिया था. दोस्तों हमारा हाथ पैर चल रहा है, हम सोच सकते हैं, समझ सकता है, चाहे तो निकल के चल सकता है, दौड़ सकता है, और हमारी बुद्धि ठीक तरीके से चल रहा है. आज आपने देख लिया आपके टीम के अंदर मैडम रणाल जी इस कंपनी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट अचीवर है. बीइंग ए लेडी, इफ शी कैन डू दैट मच, आप क्यों नहीं कर सकता. और मैं आपको बता दूं, और ऐसे सक्सेसफुल लोग और मैम और मैम के टीम और मैम के टीम के लीडर्स, बहुत पावरफुल लीडर्स इस टीम के शामिल हैं. सारे लीडर्स अगर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस से उनको ज्यादा अचीवमेंट और ज्यादा सक्सेस होगा. दूसरे बिजनेस में ऐसा नहीं, सेम बिजनेस में दूसरा अचीव करता है तो हमारा शोभा कम हो जाती है, हमारी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. इसलिए हेल्थी कंपटीशन नहीं होता, अनहेल्थी कंपटीशन होता है. बिजनेस में टफ कंपटीशन होता है, टिकना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन ये बिजनेस है, म्यूचुअल बेनिफिट दे रहा है, इंटरडिपेंडेंसी का बिजनेस है. दिस इज द फ्यूचर बिजनेस. आप ये बिजनेस सीरियसली अगर सोचेगा, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा आपको. आप खाली बिजनेस में आके इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होने वाला है. आपको एक बिजनेस एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा. जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोचता है, वैसा एक सोच इस बिजनेस के बारे में सीखना होगा. शायद 1 साल में आप सीख सकता है, या तो 2 या 3 साल में सीख सकता है, और उस पीरियड में भी आप कमा सकता है इफ यू आर स्मार्ट इनफ. यानी 1 साल के अंदर भी चाहे तो इधर का 2,10,000 जो मैंने अपने एक पहला हफ्ते में अचीव किया था, और मेरे टीम के अंदर कम से कम 50 लोग ऐसा है जो अपना पहले 3 महीने के अंदर इस लेवल पे पहुंचे थे. और आपके टीम के अंदर भी, मैडम मनाल मैम के टीम के अंदर भी ऐसे काफी सारे लोग हैं. अगर एक आदमी कोई काम कर सकता है, बस आदमी को विश्वास चाहिए होता है. इस दुनिया के सबसे पावरफुल चीज है विश्वास. अगर आप विश्वास करोगे, लाइफ में कोई भी चीज ऐसा नहीं है नामुमकिन है. और ये बिजनेस में आपको कोई आदमी आके लेके आ गया होगा, बस इतना सोचिए, अगर कोई भी चीज अपने लाइफ में होता है वो ईश्वर के निर्णय के बिना होता नहीं है. ये बिजनेस आपको दिखाना ईश्वर का काम था, निर्णय लेके अपनी लाइफ में बेनिफिट उड़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. Almighty bless you all. Once again, I would like to appreciate Madam Ranal ji and the entire team leaders for organizing this wonderful DigiGTS program. May Almighty bless you all with